हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन को आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने से पहले हम इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा पहले उसको डिस्कस करते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, कोई भी पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है, ये गामा है, तो उस पॉलिनोमियल को निकालने का फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स के प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 माइनस 7 माइनस 14 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, सम किसका, जीरोज के प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब ये दिया हुआ हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना दिया है माइनस 7। और थर्ड क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और वो कितना दिया है माइनस 14। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना दिया हुआ है 2, और अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, बीटा गामा और गामा अल्फा वो दिया हमारे पास माइनस 7, और अल्फा इंटू बीटा वो दिया हमारे पास माइनस 14। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल निकालने का। याद करने का तरीका बता देता हूं, पहले x की पावर 3, फिर 2, फिर पावर x की 1, फिर x की पावर नहीं आएगी, कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। थोड़ा आइडिया आ सकता है याद करने का फॉर्मूला, बस वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स क्यूब माइनस ये कितना दिया हुआ है 2, और ये कितना दिया हुआ है माइनस 7, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस 14 दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो ये दे रखे हैं a माइनस b, a a प्लस b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है, जो कि हम क्वेश्चन फर्स्ट में कर चुके हैं। अगर ये हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये तीन रिलेशन होते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है सी बाई ए, और थर्ड होता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए। हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे पास जीरोस दे रखे हैं तीनों, इसका मतलब एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। मानना चाहे आप मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस किसके को होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। यहां पे मैं कैपिटल लिख देता हूं, यहां पे अदरवाइज ए और बी में तो हमारे पास जीरोस दे रखे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, दिस इज द सम ऑफ जीरोज, दिस इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या होता है, एक्स की स्क्वेयर का कोफिशियंट, यहां पे एक्स की स्क्वेयर का कोफिशियंट माइनस 3 है। यहां पे आप लिख सकते हैं ए क्या है हमारा, यहां पे कैपिटल लिख लें आप, कंफ्यूज नहीं होंगे,
ए का मतलब एक्स की क्यूब का कोफिशियंट वन और बी एक्स की स्क्वायर का कोफिशियंट और जो सी एक्स का कोफिशियंट वो कितना है हमारा वन और कॉन्स्टेंट टर्म डी वो भी वन। तो सम ऑफ जीरो किसकी इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाई ए माइनस बी कितना माइनस थ्री और दिस इज ए कितना वन। तो ए बी से बी कैंसिल हो गया ए प्लस ए थ्री ए इज इक्वल टू थ्री तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री बाई थ्री ए आ गया वन। अब सेकंड रिलेशन यूज कर ले या थर्ड रिलेशन यूज कर ले बेटर है थर्ड यूज कर रहे सेकंड थोड़ा मुश्किल होगा। इन दोनों में से एक ही यूज करने की जरूरत है बस उसी से हमारी वैल्यू आ जाएगी बी की। अब तीसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के माइनस डी बाई ए दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरोज के हमारे ए माइनस बी ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी तीन है और डी कितना हमारा वैल्यू पुट करनी है आपने माइनस वन माइनस और डी हमारा वन है ए कितना वन तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए की आप वैल्यू पुट कर दें ए को माइनस वन माइनस बी मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई ए प्लस बी वन प्लस बी इजल टू माइनस वन इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दी हमने कौन सी आइडेंटिटी देखें a माइनस बी और a प्लस बी वाली तो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो 1 माइनस ए की स्क्वेयर 1 की स्क्वेयर 1 ही होता है माइनस बी की स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी की स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू माइनस 1 लेफ्ट से राइट में जाएगा माइनस 1 हो गया ये माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल क्या बचा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 दिस इंप्लाइज ये b के ऊपर जो स्क्वेयर है 2 राइट में जाके क्या बन जाएगा स्क्वेयर रूट बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस तो b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 2। स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।